गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका होता है पॉलीनोमियल्स मतलब बहुपद। आपको पिछली कक्षाओं में यानी नाइन्थ की कक्षाओं में बहुपद के बारे में बहुत सही सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका एकपदीय बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसमें आपको बीजी व्यंजक क्या होते हैं ये भी बताया गया था। बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये चीज़ें भी आपको बताई गई थी। फिर बहुपद का आलेख मतलब आलेखी निरूपण जो होता है वो आपका बताया गया था कि आलेख कैसे खींचते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लास नाइन्थ में बताई जा चुकी हैं। आज हम क्लास टेंथ में जो बहुपद शुरू कर रहे हैं इसमें आपको जीरोस जानने हैं, शून्यांकों की संख्या बतानी होती है। जैसे कोई ग्राफ है और उस ग्राफ को हमें देख के ये बता करना होता है कि उसके कितने शून्यांक होंगे। तो सबसे पहली बात कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले आप वीडियोस में मतलब आपको बताया है कि आपने पिछली कक्षाओं में यानी क्लास नाइन्थ के क्लास में भी आपने चैप्टर ये पढ़ा है, बहुपद आपने पढ़ा है, ठीक। उस बहुपद में और इस बहुपद में अंतर है। वो बहुपद जो आपने पढ़ा था तो आपने यहाँ ये जाना था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन सा एकपदीय बहुपद है, कौन द्विपद बहुपद है, कौन त्रिपद बहुपद है, फिर बहुपद का मानक रूप क्या होता है, फिर आप बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, फिर उसका आलेख आपने पढ़ा है। अब क्लास टेंथ के बहुपद में आपको जीरोस निकालने होंगे मतलब शून्यांकों की संख्या निकालनी होगी, और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फिलहाल आज आपकी एक्सरसाइज का हमने चैप्टर 2.1 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, फिगर भी आप बना लेंगे। आप ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं इसमें आपको और क्वेश्चंस दोनों आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे की चीज़ें आपको बता पाऊँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पहले भी बताया गया है, आज भी बताया जा रहा है कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देख रहे हों, तो वीडियो देखने के पहले उस सब्जेक्ट की जो बुक होती है वो बुक आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको आप नोट कर सकें, और किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए जिस एक्सरसाइज को शुरू किया गया है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को जो आपके ब्लैक बोर्ड पर मतलब लग रहा है उस पर आधारित उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाने का प्रयास करिए, तभी कोर्स भी आगे बढ़ पाएगा, आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियोस में हमें आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, शून्यांकों की संख्या निकालनी है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन की डिमांड समझनी होती है कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, क्या कह रहा है वो। जब आपने क्वेश्चन समझ लिया तो सोल्यूशन उसका आसान हो जाता है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी आज आपका पार्ट वन वीडियो है, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज 2.1 का है,
तो अभी जस्ट ही ये आज ही से ही स्टार्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट वन डाल दिया है ताकि आगे जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड ऐसे करके मिलते रहेंगे, ताकि प्रत्येक चैप्टर्स का जो वीडियो आपको मिले बने। जैसे आपने यहाँ पे आपने देखा कि ये एक्सरसाइज 2.1 शुरू हुआ है, तो 2.1 का पार्ट वन है ये। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2.2 का पार्ट टू हो जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो जा रहा है, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। बाय द वे, अगर जो बीच का वीडियोस आप मिस कर दिए हैं तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा, आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर जो आप बीच बीच का छोड़ते जाएंगे वीडियो, तो फिर आप उसको देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, और ना ही अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। तो इसके लिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक बार फिर मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ये ग्राफ दिया गया है इसमें हमें शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम कि आप देखेंगे कि जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पे काटता है। तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पे काटेगा, जितने बिंदुओं पे काटेगा वही उसके शून्य अंकों की संख्या होती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी बहुपद, जैसे पूछ रहा है कि बहुपद पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या, तो बहुपद पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या मतलब ज्यामिति आलेख जो होगा, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पे काटेगा, मतलब जितनी बिंदुओं पे काटेगा वही उसके शून्य अंकों की संख्या होगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम चित्र एक पे कंसंट्रेट करते हैं। चित्र एक पे आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किन बिंदुओं पे काट रहा है। आपके सामने चित्र वन है, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो आपको इसमें देखना ये है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे है, एक्स अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है। तो जब ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है तो इसके शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। फिर आप आइए सेकेंड फिगर में, सेकेंड फिगर में देखेंगे ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है। तो इसके शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। फिर थर्ड में आइए देखिए कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पे ये शुरू हुआ है एक, फिर ऐसे गया है दो, फिर ऐसे गया है तीन। यानी चित्र तीन जो है, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पे काट रहा है, तो उसके शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। ठीक ऐसे ही आप चौथे फिगर पे आएंगे, देखेंगे चौथे फिगर में ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये सीधा है आकर के यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है। पांचवे फिगर में आएंगे, सॉरी ये हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, पांचवे फिगर में आएंगे तो पांचवे फिगर में आप देखेंगे जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। तो जब किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है तो इसकी शून्य अंकों की संख्या जीरो हो जाएगी। तो सिंपल चैप्टर्स हैं, अभी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले किसी भी चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए, समझेंगे नहीं तो फिर कोई भी चीज़ समझ में आएगी भी नहीं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। फिर मैं इस चीज़ को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी बताया कि जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा, एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा वही उनके शून्य अंकों की संख्या होगी। तो
यहाँ पे पहले में आप देख रहे हैं ये किसी बिंदु पे प्रच्छेदित नहीं कर रहा है, किसी बिंदु पे नहीं काट रहा है, तो इसके सुनिंकों की संख्या जीरो है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, तो ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष को आके एक बिंदु पे प्रच्छेदित किया है, काटा है, तो इसके सुनिंकियों की संख्या एक हो जाएगी। चित्र तीन में आप देख रहे हैं कि जो ये वक्र है मतलब ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को एक दो और एक तीन तीन बिंदुओं पे प्रच्छेदित कर रहा है, काट रहा है, तो इसके सुनिंकों की संख्या तीन हो जाएगी। चार में देखेंगे तो चार में देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रच्छेदित कर रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसके सुनिंकों की संख्या कितनी होगी, एक हो जाएगी। चित्र पाँच में आप देखिए तो जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी बिंदु पे काट नहीं रहा है, तो इसके सुनिंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आज आपने की एक्सरसाइज 2.1 का मैंने पार्ट वन चैप्टर जो है मतलब पार्ट वन वीडियो जो बनाया है इसमें आपका एक्सरसाइज 2.1 का पॉलीमर्स जो चैप्टर है ये मैंने स्टार्ट किया है, और इसके पहले चैप्टर एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, समझाए हैं। इसके आप पे आधारित जो क्वेश्चंस प्रश्नावली 2.1 में होंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर जो नहीं आता है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उन क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ। ओके, थैंक यू।